सोनू कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट तो थैंक यू हाउ हैज लाइफ बीन आफ्टर यू नो पद्मश्री व्हाट इज इट्स लाइक कैसा लग रहा है I had stopped looking at that direction because they have been teasing me for the last 24, 25 years. When I was doing that Sarigama program on television, people used to call me up from the ministry and say that, you know, since you are changing the face of classical music in India, because we were the ones, I introduced classical music to a generation. Before that, people never took singing seriously, or learning music seriously. But when they saw Ravi Shankarji and Anil Biswasji, Naushad Sahab coming to our show and telling people to learn classical, and so a generation of our subcontinent started learning music. So that is the time when I first used to get those hints that, "Arey, aapka naam consider ho raha hai," or so. And I would be like, "Arey, really? Aisa ho raha hai?" So at that time, I used to be very excited. But then they teased me so much. And it took, after 24 years, you don't really be the same person. I discontinued being the same person. I stopped looking at the directions. When they called me up, I was, in a way, a little cold towards this whole the proposal, and I did tell them that don't you think it's a little late in the day, and they said that you know it's okay, this is just a beginning and whatever. They said we respect you a lot, so please don't say no to it. And I then obviously I messaged them humbly accepted after reconciling the thought inside my own head. So then I told my family, you know, they were very happy and very touched, emotional, because we were missing my mother. My mother would have really, really celebrated this with lots of tears. उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. जी हाँ, बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए बहुत. But मुझे एक बात बताइए. ये मतलब एक पर्सनल फ्रंट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ. आप जब भी कोई कमेंट्स करते हैं या यू नो कभी कभी यू नो सोनू निगम न्यूज हेडलाइंस बन जाते हैं बिकॉज आइदर यू आर बीइंग ऑनेस्ट और योर देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन और मिसट्रूडेड स्टेटमेंट्स दैट आर मेड. ऐसा कभी हुआ है बीवी ने बोला आप क्या बोल देते हो यू नो टॉक टू मी वंस बिफोर एट लीस्ट सेइंग थिंग्स? ऐसा कभी हुआ है? एक इंस्टेंस में ऐसा हुआ था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट को नहीं मानता राइट विंग लेफ्ट विंग. मेरे हिसाब से दोनों ही रॉन्ग है. अगर इंसान में समझ है तो हम मम्मी और पापा के बीच में ऐसे नहीं मम्मी को प्यार ज्यादा करते हैं पापा को कम करते हैं, ऐसे नहीं. अच्छा बच्चा वो होता है जो हर चीज का बैलेंस रखे. अच्छा नागरिक वो होता है कि वो हर चीज का बैलेंस रखे. ये नहीं कि मतलब हम एक ही साइड के हैं बस, तो अब चाहे वो साइड गलत भी है तो हम उसके साथ में हैं. Now I am with the right wing and I right wing गलत है तो भी क्या हो गया, अभी तो अपनी लॉयल्टीज उनके साथ में. मैं ऐसा हूं नहीं ऑनेस्टली. एंड ऑब्वियसली मैंने ये भी समझ लिया कि ये सब जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ से दुनिया बदलती नहीं है. ये इस देश को कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ गंदी पड़ता है. तो मैं सोशल मीडिया पे ऑनेस्टली अभी हूँ भी नहीं. मेरी जो थॉट है, ख्यालात हैं, इतने प्योर है कि मैं उनको बाजार में बेच नहीं सकता. तो मैं समझ गया कि तो बाजार है, यहाँ पे कोई अप्रिसिएशन नहीं होगी. जो लेफ्ट विंगर है या जो राइट विंगर है, उन्होंने जो मान लिया, जो सोच लिया है, वो वही मानेंगे. तो मैं रुक गया. मैं अब नहीं उनके पीछे पढ़ता नहीं, इन द सेंस बिकॉज जो मेरी सोच है वो अंदर से मैं अपने आप को बयां करता हूँ. और जब मुझे अगर कभी भगवान ने चाहा या कोई यूनिवर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसी सर्विस करो दुनिया की, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा. इस समय मेरी वो जर्नी का हिस्सा है नहीं ऑनेस्टली. बट हाँ, मेरी वाइफ को एक बार डर गई थी जब मैंने कहा था कि ये साला फतवा वतवा जो देते हैं इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए. ये कोई भी ऐसे आके फतवा दे देगा आपको, यार इसकी सर कटा दो, इसका 5 करोड़ रुपए दूंगा तुझे, 1 करोड़ रुपए दूंगा. ये कौन से देश है यार? ऐसी पहली बात तो जो ऐसा फतवा दे पहले उसको अरेस्ट करो, बिकॉज इट्स लाइक थ्रेटनिंग, इट्स अ डेथ थ्रेट. व्हाई शुड आई हैव टू कंप्लेन? गवर्नमेंट को कंप्लेन को उठाना चाहिए स्टेप ना. ये मैं क्यों कंप्लेन करूँ कि इसने मुझे धमकी दी, इसको अरेस्ट करो? गवर्नमेंट किस लिए, लॉ किस लिए? अपनी नगर की सेफ्टी के लिए है ना. कोई भी आपके लिए कुछ भी बोल रहा है, आप ऐसे तो तब मैंने अपना सर मंडवा दिया था. मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे में 10 लाख देने की हिम्मत है तो लो, सर मंडवा दिया, अब दो 10 लाख. हिम्मत तो थी नहीं देने की. तब मेरी वाइफ डर गई थी थोड़ी सी, वो रोने लगी थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो. मैंने कहा ये मैं यही हूँ, ऐसा ही हूँ मैं. अपनी जो बात मैं मुझे लगता है मैं सही हूँ वो सही है, और इसको मैं इसके पीछे जाऊँगा नहीं, ये बात है. बट आई रियलाइज कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ. मैं मुझे ये नहीं करना कि मैं हर बात में कुछ कमेंट करूँ. तो मैं ट्विटर से भी निकल गया. आई लेफ्ट ट्विटर 5 years, 4 years बैक. Are you in a happy place now, away from social media? I am, see, I have
यू कैन ओनली बी ब्रेव व्हेन यू आर इन अ हैप्पी स्पेस. जब आपके अंदर में, जब आपको किसी का डर ना हो, जब आपको पता हो कि मौत आपके सामने खड़ी है, कभी भी मर सकते हैं आपने अपनी मौत से समझौता करना बहुत जरूरी है. आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपको मौत कभी भी आ सकती है. कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगर 48 ईयर्स का हूं तो 70 के बाद में थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा. नहीं बेटा, ध्यान से अभी अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि 43 की एज में तेरे दोस्त मर चुके, कई 43 की एज में लोग मर चुके. तो जब इंसान को ये आश्वस्तता हो जाए कि मौत कभी भी आ सकती है, तो वो हैप्पी स्पेस में रहता है, फिर वो ब्रेव हो जाता है. तो सोनू निगम 15 साल पहले जो था वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है. ये नया सोनू निगम है, 15 साल पहले जो आया. तो ये उसका, उस सोनू निगम से जो बॉम्बे आया था 91 में सिंगर बनने के लिए, वो अलग था सोनू. एंड 2004-5 के बाद में जो सोनू निगम बनाया, वो अलग बना, वो अलग है. ये क्या हुआ इस 2004 and 5 में कि ये सोनू निगम चेंज हो गया, या ये नया सोनू निगम इवॉल्व हुआ? एक्चुअली इतना जल्दी काम शुरू किया था लाइफ में ना, मुझे स्टेज पर गाते हुए 44 इयर्स हो गए प्रोफेशनली पैसा कमाते हुए. तो आई थिंक दो ही इसकी होते हैं नतीजे. जब बच्चा जल्दी शुरू करता है, या तो वो पागल हो जाए या तो वो इवॉल्व हो जाए. आई थिंक बताएंगे, दुनिया बताएगी कि मैं पागल हुआ या इवॉल्व हुआ. मेरे हिसाब से मैंने कभी जिंदगी में इतना सेटिस्फैक्शन महसूस ही नहीं किया था जो मैंने अब महसूस किया. उसके पहले मैं सिर्फ काम करने वाला एम्बिशियस अग्रेसिव एंग्री यंग मैन था, जो बस उसको काम चाहिए था और ये चाहिए था और अवार्ड चाहिए था और पैसा कमाना था, वो सब था. 2003-2004 तक था वो. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये नहीं है, दिस इज नॉट हाउ यू गोना ग्रो ओल्ड. तो ऐसा बड़ा नहीं होगा, तो अच्छी जिंदगी जिएगा इसके बाद में. तो मैंने काम को थोड़ा कम शुरू किया, मैंने घूमना शुरू किया, मैंने किताबें पढ़नी शुरू की. तब ये सब सोच, इतना था नहीं यूट्यूब वगैरह, बट मैंने बाद में उससे भी किताबें पढ़ते थे. बाद में इतना कुछ मिल गया खजाना सुनने को, बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी फिलोसफीज को, या जस्ट अकेले बैठो और देखो कि आप हैं कौन, क्यों बैठे हैं आप हैं क्यों यहाँ पे इस दुनिया में, किस वजह से आपने आप अगर आप अंतर मैं अंतर्मन में जब गया तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे यार कितनी अच्छी जिंदगी यार, तू ऐसे गंदा मत जीना, तू ऐसे एम्बिशियस होकर मत जीना सुनो. तो आई मेड अ प्रॉमिस टू माय सेल्फ दैट आई विल वर्क हार्ड, आई विल रियली वर्क हार्ड, बट आई विल नॉट बी दैट एम्बिशियस एवर अगेन. सो दैट चेंज इन मी एंड इट हैज बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी. अप्स एंड डाउन करके भी होते हैं लाइफ में, सबके होते हैं, लेकिन उसको डील करने का तरीका बदल गया. पहले जो पैनिक होता था, जो पहले एग्जास्परेशन होता था, वो अब नहीं होता. एक अब इंसान चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और अंदर उसको जब्त कर लेता है कि ओके टाइम ऐसा चल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, डील विद इट. सो अब डील करना आ गया. आई वांट टू रीच दैट स्टेज, ज़ेन मोड. अरे यू सेड इट ना, अब हो जाएगा. ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है वहां पहुंचने का. खुद वरना लोग तो जाते हैं क्या बकवास कर रहे हैं यार, तो How can you not have any ambition? अरे नहीं है मेरे को यार, नहीं है तो मैं क्या करूं, ambition नहीं है मुझे. But tell me one thing, in an interview you said, you know, I prefer staying away from the film industry. But अभी आपने एक single भी release किया, music के साथ आप बहुत close है. लेकिन अब film industry से जो जिसने आपको इतना success दिया है, आप क्यों दूर रहना चाहते हैं? Because हम तो आपको बहुत miss करते हैं. अभी ना मैंने ऐसा नहीं बोला, सच्ची मैंने बोला किसी, ये भी अगेन मिसकंस्ट्रूड बात हो. नो लॉन्गर एग्री विद मेथड्स ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू बी इन. नहीं ये भी नहीं बोला मैंने, ये भी नहीं बोला मैंने, ये कोट किया, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा है, ये कहा है कि, और एकदम शॉर्ट में, और इस बात का कोई नेगेटिव वो नहीं है, इस मैंने ये कहा है कि स्वयंवर में नहीं बैठता मुझे. एक गाने के लिए 10 या 9 सिंगर्स, 11 सिंगर्स. Yes, yes, you said this also. Yes, I did. हाँ, वो agree वाली बात नहीं है. It doesn't suit my profile. It doesn't suit the my stature as a singer. कि मैं भी उन 9-10 लोगों में बैठा हूँ, मैंने ये कहा हुआ है. और having said that, अगर मैं composer होता, तो मुझे भी यही करना पड़ता अपने सिंगर्स के साथ में. तो मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है. देखिए, इंसान को हर एज में. ओके सॉरी सोनू, लेट्स गिव द व्यूअर्स अ क्लैरिटी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. मुझे पता है किसके बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज़ मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है स्वयंवर वाला, बट पीपल डोंट हियर, उनको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो.
म्यूजिक कंपोजर्स के, म्यूजिक कंपोजर के बारे में बात करें, म्यूजिक कंपोजर्स आजकल जब कोई गाना बनाते हैं तो उसमें उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, नए नए लड़के लड़के इतना अच्छा गा रहे हैं आजकल, तो उनको नेचुरली दे वुड वांट टू ट्राई एवरीबडी एवरी अदर वॉइस. उसमें दे डोंट वांट अ सीनियर सिंगर लाइक मी टू बी सिटिंग इन 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 अ स्वयंवर, जिसको मैं मजाक से बोलता हूँ. बेसिकली इट इज इट्स लाइक लुक टेस्ट हम एक्टर्स करते बेचारे. एक्टर्स भी आजकल बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं उनको भी लुक टेस्ट करना पड़ता है. तो एक प्रिसिशन आ गई है काम करने की कि भाई ये एक्टर को ऐसे दिखना, और अगर ये बड़ा एक्टर भी है ये इस रोल में सूट नहीं कर रहा तो वी विल चेंज द एक्टर. तो ये हो रहा है सिंगर्स में भी, ऐसा हो रहा है सिंगिंग में, ऐसा हो रहा है, विच इज नाउ दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग टूडे. तो मैं उसमें बैठना चाहता नहीं, इसलिए सिंगर्स और कंपोजर्स जानते हैं कि सोनू को ऐसा नहीं करें, तो वो तभी मेरे पास में आते हैं जब उनको श्योरिटी होती है कि ये गाना सोनू ही गा सकता है या ये सोनू को ही सूट करेगा, विच इज वेरी फेयर, विच इज फाइन. आफ्टर डूइंग सो मच वर्क वन हैज टू शो दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट टू योर ओन सेल्फ एंड योर ओन क्राफ्ट ना. अगर मैं उस तरीके से बिहेव करूंगा कि मैं ही इनसिक्योर्ड और हंग्री और डिसटिस्फाइड आदमी होऊंगा तो लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे, जो मुझे प्यार करते हैं वो सोचेंगे यार ये तो अंदर से कुछ और निकला, खोखला निकला, शैलो निकला अंदर से. मेरे को कुछ दिन पहले बी सुभाष जो फिल्म मेकर है उन्होंने सुभाष घई मुझे, जी, नहीं, बी सुभाष, सुभाष उन्होंने बी सुभाष, अच्छा उन्होंने बप्पी अच्छा लहरी के बी साथ सुभाष, बहुत काम किया है, और उन्होंने जी 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 हाँ जी हाँ. तो हम बप्पी लहरी जी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि बप्पी लहरी जी ने स्क्रैच एक ऑडियो किया था, वो एक्चुअली गाने वाले थे किशोर कुमार जी, ठीक है, उनको हार्ट प्रॉब्लम था तो वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए स्टूडियो के, सो उन्होंने बोला मुझे रिकॉर्ड करके भेजो फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, एंड बप्पी लहरी जी ने स्क्रैच किया, बट बी सुभाष जी को वो गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने किशोरदा को बोला किशोरदा मैं लाहे बप्पी जी का ही गाना रखूंगा, सो इट जस्ट रिमाइंडेड मी दैट यू नो दिस हैपेंस इन द इंडस्ट्री दैट एब्सोल्युटली, एंड इट्स फेयर इनफ. यू नो ऐसे कई गाने हैं जो जैसे मैंने सुना है मुकेश जी का एक गाना था, मुकेश जी को गाना था, उनको फिर उन्होंने सुना कि मनोहर दास जी ने उस गाने को गाया है, तो सुना तो अरे बोला इतने नए लड़के को, इतने अच्छे लड़के को इसको चांस दो, इसको इसका गाना क्यों छीन रहे हैं. तो ऐसे करके मनोहर जी को फर्स्ट ब्रेक मिला. तो ये मैं भी जानता हूँ इस बारे में, एंड विच इज अ वेरी नाइस थिंग. एवरी सीनियर सिंगर शुड लिव अप टू, एक गरिमा होनी चाहिए उसकी. लेट्स कम टू योर न्यू सिंगल, ओके, मौला मौला रे रे, टेल मी ऑल अबाउट इट, बिकॉज़ द मैसेज बिहाइंड दिस सॉन्ग इज ब्यूटीफुल, सोनो ये जो था, यू नो हमने बहुत चीजें इस कुछ 2 सालों में देखी है, लॉकडाउन के टाइम में वी हैव जी आल्सो द क्विंट हैज डन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द ऑफेंस ऑफ कोविड, ओके, वेयर ड्यूरिंग कोविड वाह so many children have lost their both their children lost parents, you know that is can you send me the documentary? I'd like to see it. I'd like I to will see send it. you, मुझे we भेजना. have won awards also for it, it is अच्छा fantastic, yeah, so you know this is also about offense, can you जी tell me what made you make this song and how are you affected by it and how close it is to your heart? ये क्रेडिट जाता है आकाशदीप सावित जी को, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लाए थे, वो उनकी सोच थी, एंड ही इज वेरी क्लोज टू मी लाइक अ फैमिली. तो ही सेड सुनो आप ये करेंगे गाना मेरे लिए? मैंने क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा. हम अपने माँ बाप को इतना प्यार करते हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये ना होते तो हमारा क्या होता. तो ये एक ओड है, इट्स इट्स एक अनाथ बच्चे की सोच कि मेरी जिंदगी क्या है, ना रास्ता ना मंजिल, ये क्या जिंदगी है. गाने के बोले मौला रे बट ये उस बच्चे के थ्रू हमारे माँ बाप को भी ओढ़ है कि भैया तुम थे तुम्हें नमस्कार, तुम हो तुम्हें नमस्कार, ना होते तो हम वो होते ही नहीं जो आज हैं. क्या हो सकता है हम होते ही नहीं, क्योंकि इंसान का ही बच्चा है जिसको खाना खिलाना पड़ता है 1.5-2 साल तक, 2.5 साल 3 साल तक, बाकी जानवर के बच्चे तो खुद खड़े होते हैं अपने पैरों पर. तो हमारे माँ बाप को तो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है हमारे माँ बाप. तो इट्स इट्स अ सॉन्ग, जैसे कहते हैं ना कि आज के जमाने में जितने भी गाने आ रहे हैं वो बड़े कैलकुलेटिवली कमर्शियल गाने आते हैं, सुपर हिट होते हैं, हिट लाइक्स आते हैं, उनके रील्स बनते हैं वो सब. मेरा अभी गाना रंगदेसवा आया था, इसके पहले लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसकी भी बहुत सारे रील्स बने और लोगों ने उसमें मैंने डांस वांस किया, सब कुछ किया. इसमें मैंने सिर्फ अभी लाल गीत सिंह किया. चड्ढा आने वाला है, अरे बाप रे, अभी तक तो आए नहीं है. मैं तो सोच रहा हूँ इतनी इतनी सब बातें कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि वो गाने ही ना हो. और क्योंकि जब तक ना आए तब तक हम कुछ कह नहीं सकते. मेरे मुंह से निकल के गया एक बारी, और तब से ये सब सब मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और जब तक ये गाना बाहर नहीं आएगा तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता ऑनेस्टली. इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा.
बहरहाल ये जो है मौला रे इसका म्यूजिक दिया है अमजद नदीम ने, और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, बहुत अच्छा लिख, शबीर अहमद ने क्या लिखा है खूब। तो ये गाना जो है ये हमारे तरफ से एक अच्छी पेशकश है, और इट्स कुछ काम हम लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ काम हम लोग लेगेसी के लिए करते हैं, ये वो काम है जो लेगेसी के लिए है, लोग इसे याद रखेंगे, ये ऐसा गाना है। यू नो अभी सोनू निगम व्हाट इज ही एंजॉयिंग लिसनिंग टू एंड हु इफ यू आर लाइकिंग एनी पर्टिकुलर वॉइस न्यू वॉइस दैट यू आर रियली अप्रिशिएटिंग ऐसा कोई है? मैं तो सारे इतने भयंकर गा रहे हैं आजकल, मैं तो सोचता हूँ बाप रे, ये लोग मेरे से जूनियर है कि मुझसे सीनियर है, इतना अच्छा गा रहे सबके सब। पर एक गाना जो है मैं एकदम मतलब उसको अभी तक थोड़ा, अब एक दो दिन में सुनना कम किया है मैंने, अदरवाइज मैंने घर को पागल कर दिया था उस गाने को, श्री वल्ली जो गाना है ना, जावेद अली ने जो गाया, श्री वल्ली, ओ आई लव दैट सॉन्ग। Please sing no, और sing no. We जावेद, want to hear Sonu Nigam's version of it. नहीं, जावेद का Javed, गाना है, Javed जावेद will be गाया है, so happy. I'm telling you, he will be honored. जावेद को पता है, जावेद को पता है कि मुझे गाना बहुत पसंद है, मैंने जावेद को मैसेज किया था, तेरी तेरी नजर शर्फी शिवल्ली नैना मनक बर्फी, तेरी नजर शर्फी शिवल्ली नैना मनक बर्फी। मुझसे आपने मेरा गाना मौला मौलरी नहीं गवाया, और जावेद ने गाना शिवल्ली गवा दी, बहुत बदमाश हैं आप। वेरी गुड वेरी गुड. अब यू शुड डू अ रिमिक्स ऑफ योर मौला रे एंड शिवल्ली. दैट विल बी लाइक अमेज. बट आई थिंक जावेद के लिए मुझे बहुत खुशी है, जावेद बहुत अच्छा सिंगर है एंड गुणी सिंगर है, और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि उसको एक वो गाना नहीं मिल रहा जो एक उतना, इतने गाने हिट हुए हैं, बट फाइनली विद श्रीवल्ली आई थिंक जावेद हैज गॉट दैट वन सॉन्ग जो बहुत बड़ा, आगे भी भगवान उसको खूब दे, बहुत अच्छा गाता है, अच्छा लड़का है बहुत। सो आई विल सिंग मौला रे फॉर यू। I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mama's kitchen and no daddy's smile. No mama's kitchen and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child, I'm nobody's child. जमीर हो रही है, पलक रो रहा है, परेशान है रातें, सुबह लापता है, सुलगते हैं आंसू, खफा रोशनी है, सुलगते हैं आंसू, खफा रोशनी है, ये क्या न रास्ता न मंजिल, ये क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, मौला रे मौला रे मौला रे मौला रे मौला रे। बहुत बहुत ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. शुक्रिया, अच्छा अब मुझे ये थैंक बताइए, जैसे आपने बोला ना कि जावेद को वो गाना मिल गया है जो उसको चाहिए था, सो नो यू हैव सो मेनी सॉन्ग्स लाइक जो वो दैट डिजर्व, जो वो डिजर्व करता है, नहीं एब्सोल्युटली. यू नो आपका ऐसे कितने गाने हैं, बट मुझे बताइए व्हेन यू गो टू अ कॉन्सर्ट, व्हेन यू वॉक इनटू द स्टेज, व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट द क्राउड वॉन्ट्स टू हियर? अभी मुझ में कहीं एंड बिजुरिया अदर टू सॉन्ग्स, कल हो ना हो कि फरमाइश करते हैं, बट ये जो दो गाने हैं बिजुरिया और अभी मुझ में कहीं, ये हर जगह, मतलब आई नेवर थॉट कि कल हो ना हो गाने के ऊपर कोई गाना आ सकता है, लेकिन अभी मुझ में कहीं उसके उसको बराबर का ही आ गया। और बिजुरिया तो 99 से लोग पागल इसके पीछे। आप मेरे लिए कोई एक गाना गा दीजिए प्लीज, विच एवर यू वॉन्ट टू. है सुना ये पूरी धरती तो चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज, मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू,
ए खुदा है कहाँ रे तू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, बाय। थैंक यू, बाय बाय, सी बाय।